हेलो विनर बडाना जी, नमस्कार। आपको स्वागत है इंडिया फोर्स एकेडमी में और आप देख रहे हैं फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स क्वेश्चन। दोस्तों, आवाज़ क्लियर आ रही है? नहीं आ रही, प्लीज़ आप जल्दी से कमेंट करके बताएं, फिर हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने कॉन्सेप्ट्स। दोस्तों, आज हम कुछ मजाक के टाइप के क्वेश्चन करेंगे। मजाक के टाइप के क्वेश्चन मतलब जस्ट अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए। उसमें से बहुत से क्वेश्चन मैं आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चन बताऊंगा जो आपकी बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मैं आज आपको बताने वाला हूं। बिल्कुल हम अच्छे मजाक के टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं आज। हम मतलब बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट से हम क्वेश्चन लिए हैं, आज आप इजीली आंसर कर दोगे और बहुत ही अच्छी क्विज हम आज करने वाले हैं। शायद आज की लाइव क्लास थोड़ी कम ही हो क्योंकि आज मेरे पास थोड़ा समय कम है। दोस्तों, कल एक बच्चे ने कमेंट किया था कि 8 बजे आरएस सर की क्लास होती है जिसके कारण कुछ स्टूडेंट्स आ नहीं पाते, तो मैं उस कारण आज क्लास 9 बजे, क्योंकि आज दोस्तों इस टाइम मेरा जो डिनर टाइम होता है उस दौरान मैं आपके लिए टाइम निकालता हूँ। तो आज शायद क्लास थोड़ी, हम क्लास 9 बजे स्टार्ट हुए इसलिए कम टाइम ले पाए, लेकिन आज बहुत अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं। हाँ जी बिल्कुल, आज हिंदी में भी एक्सप्लेन करूँगा। आप जो फर्स्ट स्क्रीन पर क्वेश्चन देख रहे हैं उसका आंसर दीजिए जल्दी से, और हाँ प्लीज़ लाइक कीजिए, सभी लाइक कीजिए, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। अभी पहला काम यही करो, प्लीज़ पहला काम यही करो। शिवनेश जी कह रहे हैं, शिवनेश यादव जी आप किस ब्रांच से हैं नेवी में? शिवनेश यादव जी आप व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए, उस पर हम सारी बातें करेंगे, किस ब्रांच से हूँ, कब सेलेक्ट हुआ। मेडिकल स्टैंडर्ड, फिजिकल स्टैंडर्ड, नॉन कमीशन टू कमीशन एंट्री कैसे होती है, सब हम बात करेंगे शिवनेश जी। इसका आंसर है डी, बिल्कुल सही आंसर है। जस्ट लाइक ए सैटेलाइट, जो किसी भी बड़े जो भी एक एन ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व्स, बिल्कुल सही आंसर है सैटेलाइट। जल्दी बताइए, ये क्वेश्चन आया हुआ है नेवी में, नेवी एसएसआर का जो ऑफलाइन एग्जाम होता है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। जल्दी से इस क्वेश्चन का भी आंसर बताइए आप प्लीज। दोस्तों प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो को, आपको ये कहना नहीं पड़े क्योंकि आप तो अच्छे बच्चे हो, है ना यार, आप अच्छे बच्चे हो, बुरे बच्चों को कहना पड़ता है, तो आप तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और जल्दी से इसका आंसर बताइए। देखो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, जो ग्रेविटेशन है, गुरुत्वाकर्षण इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, गुरुत्वाकर्षण किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है? तो इसमें सही है बिल्कुल डी ऑप्शन आएगा, गुरुत्वाकर्षण इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल को हिंदी में कहते हैं, बिल्कुल इसका डी ऑप्शन आएगा, आप बिल्कुल सही हैं। यह है टू, पंकज महाराज जी बिल्कुल सही है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड अर्थ कम्युनिकेशन सैटेलाइट टेक, अर्थ पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में कम्युनिकेशन सैटेलाइट कितना समय लेती है? पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में कम्युनिकेशन सैटेलाइट कितना समय लेती है? जल्दी से आंसर बताइए। ये क्वेश्चन आया हुआ है नेवी एसएसआर, जितने में अब आपको क्वेश्चन करवाऊंगा ना वो नेवी एसएसआर के क्वेश्चन करवाऊंगा। आप सुन रहे हैं, मैं जितने भी अभी क्वेश्चन करवाऊंगा नेवी एसएसआर के क्वेश्चन करवाऊंगा, नेवी एसएसआर में आए हुए। ट्वेंटी फोर आवर्स इसका क्वेश्चन आएगा। ट्वेंटी फोर आवर्स,
दोस्तों हर क्वेश्चन के बाद में हुर्रे ज़रूर लिखें, और अगर मैंने जो बात कही अगर आपको सुनी है ना, तो आप ये कहें कि हाँ सर हम सुन रहे हैं। जितने भी मैथ्स क्वेश्चन करवाऊंगा नेवी SSR में आए हुए क्वेश्चन करवाऊंगा, जितने भी टोटली नेवी SSR के आए हुए क्वेश्चन। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की वेलोसिटी कितनी होती है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की रेस्पेक्ट के अर्थ के रेस्पेक्ट में जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की वेलोसिटी क्या होती है, नेवी SSR का क्वेश्चन है। बिल्कुल बिल्कुल इसका आंसर आएगा 0। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट उसे उस सैटेलाइट को कहते हैं, पंकज महाराज 1 मीटर पर सेकंड नहीं होगा, आप देखिए, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट उस सैटेलाइट को कहते हैं जो अर्थ के रेस्पेक्ट में जिसकी वेलोसिटी 0 हो, यानी ये अर्थ है, इसके अर्थ अगर मान लो जिस स्पीड से घूम रही है उसी स्पीड से वो सैटेलाइट घूम रही है, तो अर्थ के रेस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0। तो इसका आंसर आएगा 0। नेवी SSR का आया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। दोस्तों अब आप ये क्वेश्चन बताइए, ग्रेविटेशनल फोर्स गुरुत्वाकर्षण बल एक आकर्षण को बताऊंगा, बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों एक क्वेश्चन बताइए आप जल्दी से प्लीज, अर्थ अट्रैक्ट्स ए बॉडी विद ए फोर्स इक्वल्स टू इट्स वेट। सुनेश यादव जी कह रहे हैं लाइक कर दो दोस्तों, कोई आपके लिए इतनी मेहनत करा, बिल्कुल फ्रेंड्स मैं आपके लिए डिनर टाइम लेके, ये डिनर टाइम है जो मेरा घूमने फिरने का टाइम है वो आपके लिए मैं खर्च कर रहा हूँ, सो प्लीज़ लाइक तो ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स। ये आएगा बिल्कुल, जो अर्थ फोर्स लगाती है उसे हम MG कहते हैं, अर्थ हमारे लिए MG फोर्स लगाती है फ्रेंड्स, लाइक ज़रूर कीजिए, मैं आपके लिए बहुत समय निकाल रहा हूँ, मैं चाहूँ तो आपके मैं मेरे खुद के लिए भी कहीं घूमने फिरने आराम से जा सकता हूँ दोस्तों के साथ, लेकिन मुझे आपका सिलेक्शन प्यारा है, आपकी ज़िंदगी प्यारी है, मैं चाहता हूँ मेरे जैसे बहुत सारे बच्चे एयरफोर्स नेवी में सेलेक्ट हो। मस्ती तू कह रहे क्वेश्चन बढ़िया लेकर आओ, मैं पहले स्टार्ट हुआ था वीडियो जब भी कह दिया था आज मजाक के टाइप के क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन करेंगे हम आज, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन करेंगे, जो जितने भी क्वेश्चन मैं आज करवा रहा हूँ नेवी SSR के आए हुए क्वेश्चन हैं, आज के क्वेश्चन सिर्फ नेवी SSR के क्वेश्चन हैं, और नेवी SSR में क्वेश्चन बहुत ही मतलब लेवल 0 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, 0 लेवल टाइप के क्वेश्चन आते हैं नेवी SSR में। हाँ नेवी EE और एयरफोर्स जो एयरफोर्स में बहुत ही थोड़े क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दिया गया है। ए सैटेलाइट रोलिंग वेरी क्लोज टू अर्थ हैज नियरली स्पीड,
दोस्तों सॉरी, ये क्वेश्चन गलत था। दोस्तों आप ये क्वेश्चन कीजिए प्लीज। मस्तिष्क 2G हैं, जो भी हैं बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं। आपका सिलेक्शन होगा, भगवान ने चाहा नहीं, लेकिन आप खुद ने चाहा तो होगा। भगवान के चाहने से आपकी किस्मत नहीं बदल सकती, आपकी किस्मत आप खुद बदल सकते हो। भगवान तो सिर्फ आपका साथ दे सकता है। ग्रेविटेशनल फील्ड इज डायरेक्टेड, ग्रेविटेशनल फील्ड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब या फिर किसकी तरफ होता है, उसकी दिशा क्या होती है, ये आप बताइए प्लीज। टुवार्ड्स द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है कि आप मान मान के सकते हो जो पृथ्वी है, जो अर्थ है, ग्रेविटेशनल फील्ड यानी गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, जो अर्थ है ना, उसका जो फोर्स है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो कितने क्षेत्र में फैला हुआ है, यानी अर्थ अपने बार बार कितने क्षेत्र की चीज़ों को खींच सकती है अपनी तरफ, कितने फील्ड की चीज़ों को अपनी तरफ खींच सकती है, उसे क्या कहते हैं, यानी जितने क्षेत्र में है ना पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का खो फैला हुआ ना, उसे हम वो ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। करेक्ट आंसर है टुवार्ड्स द अर्थ। वैल्यू ऑफ द ग्रेविटेशन ऑन मून सरफेस इज 1.6 मीटर पर सेकेंड, वेट ऑफ ए 100 kg ऑन द मून सरफेस विल बी कितना होगा, प्लीज बताइए आप। इसका आंसर आएगा डी। ये कह रहा है एक मून के सरफेस पे वैल्यू ऑफ द ग्रेविटेशन ऑन मून सरफेस इज 1.6 मीटर पर सेकेंड, ग्रेविटेशन की वैल्यू दे रखी है और बॉडी का वेट दे रखा। देखो यहाँ पे जो मीटर पर सेकंड स्क्वेयर है, ये मीटर पर सेकंड स्क्वेयर है। अब आप ये क्वेश्चन निकालिए, उस पर फोर्स निकालना है, ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है। ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बराबर होता है, एम जी के, तो एम दे रखा है हमें और जी भी दे रखा है ना, 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, तो डी ऑप्शन आएगा इसका। बिल्कुल विनय बढ़ाना जी, विनय बढ़ाना जी, बहुत सही। और प्लीज़ लाइक कर दीजिए आप प्लीज़। आज ये क्वेश्चन आप सीरियस मान के चलो, ये इजी क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन है बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। ये ग्रेविटेशनल फील्ड एक्टिंग ऑन द बॉडी वेदर बॉडी इज इन कॉन्टेक्ट विद अर्थ और नॉट, सच फोर्स इज नॉन एज, बिल्कुल फील्ड फोर्स, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोल्ड होता सॉरी ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, वो सिर्फ धरती के ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण लगता है, क्योंकि वो कौन लगाती है, ये पृथ्वी लगाती है ना, अर्थ लगाती है, ये अर्थ जो फोर्स लगाएगी उसे क्या कहते हैं हम, ग्रेविटेशनल फील्ड, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। विनय बटाना जी आपका बिल्कुल सही है, आप करेक्ट आंसर बताइए। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए प्लीज़, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। और जो जितने भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं मेरे साथ, प्लीज़ एक बार कमेंट करके बता दीजिए, बल्कि मैं उनको बता भी रहा हूँ हिंदी में। आज का क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ जी डी इंक्रीज विद द, देखो मैंने बताया था कि जितनी पृथ्वी से दूर जाएंगे, जितनी
अर्थ से जितना दूर जाएंगे, चाहे वो अर्थ के नीचे जाओ या फिर अर्थ से ऊपर जाओ, जितनी दूर जाएंगे उतनी उसकी ग्रेविटेशनल जो ग्रेविटी है वो कम होगी। अब इसने कहा बढ़ेगी कब, है ना, तो यानी डिक्रीज इन एल्टीट्यूड, यानी हाइट जितनी कम होगी ना उतनी ग्रेविटी बढ़ेगी, और हाइट हाइट यानी जितनी पृथ्वी से ऊपर जाते जाएंगे ना तो ग्रेविटी ग्रेविटी उतनी बढ़ती जाएगी, और जितना अर्थ से नीचे पास आते जाएंगे ग्रेविटी उतनी बढ़ती जाएगी, और अर्थ से दूर जाते जाएंगे तो ग्रेविटी भी घटती जाएगी। एक बात हमेशा ध्यान में रखना, चाहे आप अर्थ से ऊपर जाओ या फिर अर्थ से नीचे जाओ, ग्रेविटी हमेशा घटती है। ये क्वेश्चन निकालो दोस्त, ये क्वेश्चन मैंने पिछली दो वीडियो पर डाए हैं ग्रेविटेशनल की, तो उसमें बताया हुआ है। इफ मास ऑफ द अर्थ, अर्थ का मास दे रखा, उसकी रेडियस दे रखी है, और हाइट पे, हाइट दे रखी है 1000 किलोमीटर, उस हाइट पे आपको ये निकालना है। इसमें मैं फॉर्मूला बता देता हूँ आपको, फॉर्मूला लगेगा इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस 2h/अपॉन में रेडियस ऑफ द अर्थ। ये फॉर्मूला लगाओ और जल्दी से क्वेश्चन का आंसर निकालो, प्लीज़ जल्दी से कमेंट कीजिए क्वेश्चन का आंसर। इसका आंसर डी आ रहा है, जल्दी से इसका आंसर निकालिए प्लीज़। जी डैश इज इक्वल टू जी यानी 10 इंटू 1 माइनस 2h, एच दे रखा हमें 1000, यानी 1 माइनस 2000 अपॉन में 6400, तो 6400 में से 2000 जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 4400 अपॉन में 6400 इंटू में 10, है ना। तो अब बताओ, 6 × 7 = 42, हाँ बिल्कुल 7.3 इसका आंसर आएगा। देखो क्वेश्चन मैं मान सकता हूँ इजी है, लेकिन नेवी एसएसआर के क्वेश्चन हैं सारे, और नेवी एसएसआर में इजी क्वेश्चन आते हैं, और ये सारे कॉन्सेप्चुअल। आज मैं आपको सिर्फ बेसिक क्वेश्चन मजाक के टाइप के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ये वीडियो स्टार्ट होते ही मैंने आपको बता दिया था। दोस्तों आप एक क्वेश्चन देखो, आपको कितना इजी क्वेश्चन लग रहा है ये, प्लीज़ आप बताएंगे कि कितना इजी क्वेश्चन लग रहा है, आप कमेंट करके बताइए, प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए ये क्वेश्चन किस किस लेवल का क्वेश्चन है ये, फिर मैं आपको बताऊंगा इस क्वेश्चन की सच्चाई, प्लीज़ आप बताइए एक बार, जल्दी से कमेंट करके बताइए इस ये क्वेश्चन आपको कैसा लग रहा है, जल्दी से अपनी फीलिंग लिखिए कि यार ये क्वेश्चन कैसा है, बकवास क्वेश्चन दिया है, प्लीज़ जल्दी से इस क्वेश्चन पे फीलिंग रखिए, फिर आपको एक अच्छी सी बात बताता हूँ इस क्वेश्चन की। प्लीज़ जल्दी से क्वेश्चन लिखिए, फिर मैं आपको एक बिल्कुल आंसर नहीं बताना, इसका आंसर नहीं बताना, आप सिर्फ ये बताइए क्वेश्चन कैसा लग रहा है आपको, जो अभी स्क्रीन पे है ये क्वेश्चन कैसा लग रहा है, बिल्कुल लंजू बंजू टाइप का लग रहा है, यानी ज़्यादा भारी लग रहा है, कैसा लग रहा है, फिर मैं बहुत एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा इस क्वेश्चन के बारे में आपको, प्लीज़ कमेंट करके बताइए प्लीज़, आंसर नहीं बताना, आंसर तो सबको पता है इसका, सी ऑप्शन आंसर है, लेकिन आप इस क्वेश्चन का टाइप बताइए, मैं आपके इस क्वेश्चन के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ यार, आप समझने की कोशिश करो ये क्वेश्चन कैसा लग रहा है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है ना, प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए एक बार। पंकज मालरा कह रहे हैं कभी नहीं आएगा ऐसा क्वेश्चन, लेकिन पंकज मालरा जी ये क्वेश्चन आया हुआ है नेवी डबल ए में, 25 फरवरी को जो नेवी डबल ए का एग्जाम हुआ था।
25 फरवरी को जो नेवी डबल ए का एग्ज़ाम हुआ था ना, उसमें ये क्वेश्चन आया था, नेवी डबल ए में आए थे क्वेश्चन, ना कि SSR में, है ना। ये इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता रहा हूँ, नेवी डबल ए में आया था ये, 25 फरवरी को नेवी डबल ए में ये क्वेश्चन आया था। और एक क्वेश्चन ये आया था ना, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को किसने डिनोट करते हैं, और पंकज महाराज जी कहते हैं ये क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है। और एक क्वेश्चन आया था कि रेडियस ऑफ गायरेशन को किससे डिनोट करते हैं, ये भी क्वेश्चन नेवी डबल ए में आया हुआ है। रेडियस ऑफ गायरेशन को किससे डिनोट करते हैं, जल्दी से कमेंट करके बताओ कि रेडियस ऑफ गायरेशन को किससे डिनोट करते हैं, प्लीज कमेंट फास्ट। ये क्वेश्चन आया हुआ है नेवी डबल ए में, और आप कह रहे हो बिल्कुल हाँ ये क्वेश्चन आया हुआ है, इतना इजी सा क्वेश्चन है लेकिन आया हुआ है। मैं आपसे हमेशा एक वादा करता हूँ, वही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा जो कभी ना कभी आया हुआ है। ये सोच लेना, अगर आप कोई क्वेश्चन मेरी वीडियोस में देख रहे हो, मेरे चैनल पे देख रहे हो, तो समझ लेना वो क्वेश्चन कभी आया हुआ है नेवी डबल ए फिजिक्स में, क्योंकि इंडिया फोर्स एकेडमी पर वो क्वेश्चन कभी आएगा नहीं जो कभी नहीं आया, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमेशा वही रिपीट होते हैं। बिल्कुल, रेडियस ऑफ गायरेशन को कैसे डिनोट करता है, और पंकज मालराज जी ये क्वेश्चन आया हुआ है ना। अब आप समझ गए, तो प्लीज़ आप बता दो अपनी फीलिंग्स, बताओ मेरा पढ़ाया हुआ आपको कैसा लगता है, मैं जो पढ़ाता हूँ वो कैसा लगता है, जल्दी से आप अपनी फीलिंग्स बताओ और वीडियो को लाइक करो। दोस्तों प्लीज़ आप जल्दी से बताइए, जो मैं क्वेश्चन करवाता हूँ उसका आपको मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लगता है, मतलब मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ। पंकज महाराज जी कहते हैं न्यूमेरिकल अलग टाइप के आते हैं सर। देखो दोस्तों, आपको एक बात बताऊँ, ये डिसाइडेड होता है कि किस चैप्टर में से न्यूमेरिकल आएगा और किस चैप्टर में से थ्योरी आएगी, ये डिसाइड होता है। और आपको मैं बता दूं, ग्रेविटेशन से अगर न्यूमेरिकल आएगा तो सिर्फ आएगा डिक्रीजमेंट, और जो अभी अभी आपको एक न्यूमेरिकल करवाया था मैंने, मैं आपको बीच में न्यूमेरिकल भी करवाता हूँ अगर आपको ध्यान में, तो अभी अभी एक न्यूमेरिकल करवाया था कि 1000 मीटर ऊपर जाएंगे तो ग्रेविटी कितनी चेंज होगी, उसका आंसर था 7.5 के समथिंग, है ना। तो मैंने मेरे को पता है कि कहाँ अगले की न्यूमेरिकल पूछने की हैसियत है, कहाँ उसकी थ्योरी पूछने की हैसियत है, ये बिल्कुल डिसाइड होता है कि न्यूमेरिकल कहाँ से बनेगा और थ्योरी कहीं से बनेगी, ये नेवी एयरफोर्स में डिसाइड होता है कि कौन से कॉन्सेप्ट से ये चीज़ें बनेंगी। दोस्तों मैंने जो बात बताई आपको समझ में आई क्या, मैं मेरा मेरा पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग है दोस्तों, बिल्कुल ही अलग। मैं तो ना किसी फॉर्मूले पे विश्वास करता हूँ, ना किसी कॉन्सेप्ट पे विश्वास करता हूँ, मैं पूरी फिजिक्स पे, मैं बस उसी पे विश्वास करता हूँ जो आया हुआ है, उसी चीज़ को लेकर चलता हूँ जो आई हुई है, उसी को मानता हूँ जो कभी नेवी एयरफोर्स में आई थी। नेवी एयरफोर्स के क्वेश्चन बैंक्स की औकात मेरे को पता है क्या है। आप ये क्वेश्चन बताएं जल्दी से। दोस्तों आज हम 6 ही लाए हुए हैं, शुरू में 10 या 11 थे, ये क्वेश्चन इजी नहीं है, आएंगे ना जब पता चलेगा। आपका सिलेक्शन पता क्यों रुकता, आपका सिलेक्शन इसलिए नहीं, यार एक कॉमन सी बात सोचो आप, 25 क्वेश्चन आते हैं क्या, 25 में इतने औकात नहीं होती स्टूडेंट्स की कि 8 या 9 नंबर ले आए, वो इतनी औकात तो होती है ना, तो फिर कहाँ वो रुक जाते हैं, वो रुक जाते हैं इन बेसिक कॉन्सेप्ट में, लास्ट में जाके एग्जाम्स देते हैं ना जब वो हाईफाई उड़ जाती है, उनकी हवाएं उड़ने लगती हैं, शरीर की दिमाग की हवाएं उड़ने लगती हैं कि यार इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा, है ना। यहाँ तो फिर वो टिट्टी बने रहते हैं कि यार ये तो आता है, ये तो इजी है, ये तो सब कुछ है, लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ पे जब 4 ऑप्शन देखोगे ना, उसमें पता चलेगा कि यार इसमें कौन सा आएगा। और आप यहाँ पे मान लो कहते हो, अब पहले 11 थे, अब हम 6 बचे हैं, जो पहले 4 5 जो भी थे
वो ये सोच के गए होंगे यार क्या क्वेश्चन करवा रहा है, लेकिन जब पता चलेगा वहाँ पे जाएंगे बैठेंगे ना, जब 25 में से क्या यार 8 क्वेश्चन नहीं, 8 नंबर नहीं ला सकते तुम, 8 नंबर तो ला ही सकते हो, 8 नंबर 9 नंबर तो इजी है, लेकिन क्यों नहीं आते लोगों के, इस कारण नहीं आते, अपने आप को 30 मार्क का समझते हैं, कहते हैं यार ये तो आता है हमारे को, है ना, और कहते हैं यार हार्ड करवाओ हमें हार्ड, और जो वहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट आते हैं ना वो होता नहीं है उनसे। जल्दी से क्वेश्चन बताओ। जीपीएस कंसिस्ट ऑफ, जीपीएस जो हमारा जीपीएस सिस्टम हो मोबाइल में, वो इसमें कौन कितनी सैटेलाइट लगी रहती हैं, इसमें 24th 24 अर्थ की सैटेलाइट मिलके एक पूरा जीपीएस सिस्टम बनाती हैं, ये बात मैंने आपको अभी नहीं बता दी है। दोस्तों मेरी बात अभी आपको बुरी लग रही हो, लेकिन जो मैं बताता हूँ ना सही बताता हूँ, जब मैं मेरी भी ड्यूटी लगती है वहाँ पे, नेवी एसएसआर के एग्ज़ाम होते हैं ना, जब वहाँ पे मेरी ड्यूटी लगती है, जब आ जाते हैं छोटा सा मुंह करके, हाँ यार मतलब एग्ज़ाम देते हैं आराम से बिल्कुल खुशी से आते, जब जाते हैं ना तो छोटा सा मुँह करके चले जाते हैं, नहीं हुआ सर क्लियर नहीं हुआ, अरे कैसे होगा क्लियर, तुम सही ढंग से पढ़ते तो हो नहीं यार, तुम्हें क्वेश्चन बातें हार्ड आर टाइप के बेसिक नॉलेज तुम्हें है नहीं, तो ऐसी चीज़ें मत किया करो आप दोस्तों। मैं पर्सनली किसी को नहीं कह रहा, बस मैं उन सब स्टूडेंट्स को कह रहा हूँ जो समझते हैं हाँ यार अपने को तो ये आता है, अपने को तो बस हार्ड हार्ड चाहिए, हमें तो जेई लेवल के चाहिए, एक्शन एंड रिएक्शन ड्यू टू द फोर्स ऑफ द ग्रेविटेशन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन, जो एक्शन और रिएक्शन होता है, सही आंसर आपका है इसमें, वेलोसिटी ऑफ जियोस्टेशनरी लाइट, जियो स्टेशनरी लाइट की जो वेग होता है वो अर्थ के रेस्पेक्ट में 0 होता है, ये क्वेश्चन अभी करवाया था आपको। दोस्तों सॉरी थोड़ा क्वेश्चन ढूंढने में टाइम लग गया, बेसिक क्वेश्चन करवा रहा हूँ आज आपको, तो उस टाइप के क्वेश्चन ढूंढ रहा था मैं भी, लेकिन जो मैं बात बता रहा हूँ वो आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। पंकज मालरा जी कह रहे हैं मेरे फिजिक्स सॉरी नेवी डबल ए में 53 मार्क्स थे लेकिन मैं फिजिक्स में रह गया, तो उसका कारण पंकज मालरा जी मैंने आपको बता दिया है उसका कारण क्या था। स्केलर क्वान्टिटी आर कम्प्लीटली डिस्क्राइब बाई देयर, स्केलर क्वांटिटी है ना वो सिर्फ अपने मैग्नीट्यूड से जानी जाती हैं, और वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, मैग्नीट्यूड तो हर चीज़ के पास होती है, और वेक्टर और स्केलर अगर आप अच्छी तरह से समझना चाहो ना तो मेरी पिछली वीडियोज़ हैं, वीडियो नंबर शायद 3 है या 4 है, क्लास नंबर उसमें वैक्टर और स्केलर, तो शायद मिनटों में कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा ना वैक्टर स्केलर का तो आप बिल्कुल रुकोगे नहीं। ये क्वेश्चन बताओ, ग्रेविटेशनल एक्सलेशन, गुरुत्वाकर्षण एक्सलेशन, जो गुरुत्वाकर्षण त्वरण होता है वो फ्री फॉलिंग बॉडी का कितना होता है बताओ,
पॉजिटिव होता है हमेशा। एक्सलेशन जो फ्री फॉलोइंग बॉडी का एक्सलेशन, तो वो जी होता है और जी पॉजिटिव होता है। दोस्तों प्लीज़ आप जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करके इसका आंसर दीजिए। हम ये क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। एक स्टोन है, एक पत्थर है, वो एक बिल्डिंग के टॉप से ड्रॉप किया गया। बिल्डिंग की हाइट है 180 मीटर। इफ़ द स्टोन हिट्स द ग्राउंड आफ्टर 6 सेकेंड, 6 सेकेंड बाद वो पत्थर ग्राउंड से टकराता है, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? प्लीज़ गिव मी आंसर इन जस्ट सेकेंड्स। इसका आंसर है 60 मीटर पर सेकंड। वी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस में 2 ए एस। हमें फाइनल वेलोसिटी निकालने, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, तो 2 ए 180, सॉरी हाइट 180 हो गई, एस कितना हो गया? ये फॉर्मूले से हो सकता है क्वेश्चन? बताओ। टाइम दे रखा है और हाइट दे रखी है। एक पत्थर को इतनी हाइट से गिराया जाता है और टाइम दे रखा है, तो ऐसा फॉर्मूला यूज करिए जिसमें टाइम और डिस्टेंस दोनों आती हों। देखो दो फॉर्मूले होते हैं। है ना? आप जल्दी से बताओ, ये क्वेश्चन वापस इसका आंसर सी आएगा 60 मीटर पर सेकंड। बिल्कुल डायनामिक्स का नॉर्मल फॉर्मूला लगा के इसका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल जल्दी से क्वेश्चन निकालिए। ये जो ग्राफ पर क्वेश्चन, मेरे को एक बार पहली जो हमारी लाइव क्लास आई थी उसमें ग्राफ के क्वेश्चन पूछे थे बच्चों ने, तो उस ग्राफ का क्वेश्चन था। आप जल्दी से इसका आंसर बताइए। मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से ग्राफ समझाया था। जो पिछला क्वेश्चन था ना, उसमें तीन फॉर्मूले होते हैं, वी इज इक्वल टू यू प्लस 80, वी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2 ए एस, और एस इज इक्वल टू यू टू प्लस हाफ इट स्क्वेयर। इन तीनों फॉर्मूलेज हैं, दो फॉर्मूले यूज में होकर हमारे पास तीसरी चीज़ निकलेगी। आप प्लीज़ जस्ट वो क्वेश्चन आप वीडियो में देखिए और उसका आंसर देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो। विनय पटाना जी ने बता दिया। देखो आप एस बराबर यू स्क्वायर अपॉन 2 जी से हो जाएगा, 60 आएगा, टाइम की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल, आप इसी फॉर्मूले से एच बराबर यू स्क्वायर अपॉन 2 जी, सिंपल सा फॉर्मूला है, और ये तीनों फॉर्मूले हैं, इसको यूज करके इनिशियल वेलोसिटी 0 मानेंगे, तो इसका आंसर आप देख सकते हो। विनय बटाना जी, काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो रहा है आप में, रियली में। आप मेहनत करो, आपकी मेहनत काम आएगी। रेस्ट में है कोई तो उसका डिस्टेंस टाइम है यार, जो एक मान लो रेस्ट में है तो उसका वो डिस्टेंस कवर करेगा, तो उसका डिस्टेंस तो 0 होगा। मान लो ये है, ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, शुरू में वो यहाँ था, तो इसकी डिस्टेंस तो इतनी रहेगी ना। टाइम तो बढ़ता जाएगा लेकिन डिस्टेंस हमेशा उसकी जहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है, तो उसका ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन होगा, और बिल्कुल एक सीधी लाइन में, यानी कांस्टेंट टाइम की जो लाइन है वो बिल्कुल कांस्टेंट से चलेगी।
ठीक है ना, कांस्टेंट लाइन होगी बिल्कुल, टाइम तो बढ़ेगा। देखो टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन डिस्टेंस कवर नहीं करा, डिस्टेंस वहीं पे रुका हुआ है। प्लीज आप ये क्वेश्चन बताइए। और मैं आज आपको बताता हूँ कि आज मैंने एक वीडियो डाली थी, नेवी एयरफोर्स का ऑनलाइन हो चुका है फॉर्म। हाँ दोस्तों ये बात सही है, आप अपनी जो आईडी है उसको साइन इन कीजिए, या फिर उस नए हैं अगर आपने पहली बार फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो उसको रजिस्टर कीजिए। आप जब ये काम करेंगे तो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप भरिए, फिर उसमें अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिए। वो आप कर सकते हैं अभी, कर सकें तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिए, फिर अपना कम्युनिकेशन एड्रेस डालिए, उसके अंदर कम्युनिकेशन एड्रेस डालेंगे फिर उसमें सबमिट कर दीजिए। फिर आप उसमें सबमिट करेंगे ना तो आप ये सारी चीज़ें अभी तैयार कर लो। तैयार करने में क्या जाता है यार, कॉमन सी सेंस लगाओ आप। वो सारी चीज़ें डालकर बिल्कुल अपनी नई क्लियर फोटो, मार्कशीट की या जो रेजिडेंस है अपना उसकी बिल्कुल क्लियर फोटो तैयार करके उसको स्कैन वकैन करवा के, या फिर मोबाइल से अच्छी सी फ़ोटो खींच कर और कैम स्कैनर से स्कैन करके उसे अपलोड कर दीजिए। बिल्कुल अपने प्रोफाइल को, अपनी प्रोफाइल को आप बिल्कुल तैयार रखो, ताकि मान लो फॉर्म स्टार्ट होते ही आप बिल्कुल एक क्लिक ही तो करना आपको अप्लाई के लिए, जस्ट अप्लाई। SSR के लिए एक क्लिक, NEWA के लिए एक क्लिक, MRN NMR का अगर आप अप्लाई करते हो तो उसके लिए भी एक क्लिक। ये काम आप सारे अभी कर लो। दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन है, एक बस स्टार्ट होती है, रेस्ट से एक्सलेशन दे रखा उसका और उसकी डिस्टेंस दे रखी है, तो उसकी स्पीड ज्ञात कीजिए। एक्सलेशन और डिस्टेंस से उसकी स्पीड ज्ञात कीजिए। आंसर दे रखा है किलोमीटर पर आवर में। किशन गुप्ता जी, कितने परसेंट पर एडमिट कार्ड आएगा? एडमिट कार्ड सबका आएगा, अगर SSR भी ऑनलाइन होगा तो SSR का भी आपका एग्जाम, सॉरी SSR का भी अगर आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा अगर ऑनलाइन होगा तो। AA का तो एडमिट कार्ड सब पर आएगा, 60% से अबव जिसके भी हैं उसका एडमिट कार्ड आएगा, और जो नेवी SSR है उसका भी शायद ही ऑनलाइन होगा। मैंने तो कह रखा ऑनलाइन नहीं होगा, क्योंकि मैंने पूछा था CO साहब से तो उन्होंने कहा कि 2 साल हम नेवी SSR को ऑनलाइन करने की सोच भी नहीं सकते, लेकिन उसको लेकर मीटिंग हुई थी अभी कुछ दिन पहले ही, जितने भी हमारे CO साहब हैं उन सबकी, तो मीटिंग में जहाँ तक मेरे को पता है कि शायद अब की बार नहीं होगा नेवी SSR ऑनलाइन, शायद ही नहीं होगा। मीटिंग का पता नहीं, शायद उस मीटिंग में जो डिसीजन है वो बदल गया हो।
दोस्तों एक ट्रेन के द्वारा कितना टाइम लिया गया है स्लो डाउन होने में, वो 80 किलोमीटर पर आवर से 20 किलोमीटर पर आवर पर आई है, और उसका डी एक्सलेशन दे रखा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 = 80 - 20 यानी 60/t। तो इसका आंसर क्या आ गया, जल्दी से इसका सेकंड का आंसर बता दीजिए, सेकंड्स में इसका आंसर आना चाहिए। बताओ जल्दी से इसका आंसर बताओ। बताओ इसका आंसर बताओ आप जल्दी से प्लीज। प्लीज इसका आंसर बताओ, फिर मैं जो आप आंसर बताओगे उसमें से आपकी कमी निकालूंगा। इसका सही आंसर क्या, फिर मैं आपको वो बताऊंगा। आप इसमें गलती करोगे मेरे को पता, और ये भी पता है कि क्या गलती करोगे। प्लीज आंसर दीजिए आप इसका। विनय बढ़ाना जी, सी आंसर, इसका आंसर सी आएगा। लेकिन देखो मैं आपको बता दूं, इसमें जो एक्सलेशन दे रखा है वो तो दे रखा है किलोमीटर पर आवर में, सॉरी मीटर पर सेकंड में, और जिस जो स्पीड दे रखी है वो दे रखी है किलोमीटर पर आवर में। आप जरूर देखना, कई बार जो अभी अभी जैसे मान लो आपने गलती से इसका आंसर निकाल दिया 30, कैसे 80 - 20 = 60 और बाई में 2 30, 30 आंसर निकाल दो, कई बार ऑप्शन में दे रखा होता है और आप जल्दी से क्लिक कर देते हैं। लेकिन आप जल्दी यूनिट, आप ध्यान से यूनिट को भी देखा करो कि यूनिट किस में दे रखी है, फिर यूनिट को आप बिल्कुल एक यूनिट को एक मेजरमेंट में लाओ, फिर उस क्वेश्चन को सोल्व करो। जल्दी से क्वेश्चन बताइए प्लीज दोस्तों। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बताइए, विनय बढ़ाना जी आंसर दे रखे हैं, बाकी कहाँ गए। प्लीज इसका आंसर बताइए। एक साइकिलिस्ट है जो एक साइकिल चलाने वाला है, वो हाफ राउंड ऑफ ए साइकिल ट्रैक ऑफ रेडियस 400 मीटर, 420 मीटर के एक ट्रैक पर जो आधा राउंड है वो 3 मिनट में लगा लेता है, तो उसकी वेलोसिटी निकालनी है हमें। फिर इसमें ये गलती मत करना, यूनिट है उनको एक ही मेजरमेंट में लाना, फिर इसको सोल्व करना आपको। सूरज कुमार आपको बहुत बहुत बधाई हो, सूरज कुमार जी आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा साथ दिया, थैंक यू सूरज जी। बिल्कुल प्लीज़ अगर आप किसी ने लाइक नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए प्लीज़। सूरज कुमार जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। इसका आंसर कमेंट कीजिए प्लीज़।
यार नींद आ गई क्या सबको? किशन गुप्ता जी थे, विनय बडाना जी थे, धर्मपाल जी थे, नवीन गुप्ता जी थे, सब सो गए क्या? सूरज कुमार जी थैंक्स, तो मेरे को आपको कहना चाहिए, आपने सब्सक्राइब किया चैनल को, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसका आंसर हम देखते हैं, देखो 420 मीटर है, ये तो सही दे रखा है इसने। वेलोसिटी कैसे निकलती है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम, टाइम मिनट में दे रखा है, तो मिनट और इंटू में सेकंड में बदलना था। इसका आंसर आएगा 3/7, 2/ कितना, 2.8 के समथिंग है ना। फिर देखें, 420 मीटर अपॉन में 3 मिनट, 7/3 आएगा। इसका करेक्ट आंसर हो गया, ये सी ऑप्शन हो गया इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल। ये क्वेश्चन है रिलेटिव मोशन का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कीजिए आप जल्दी से। और जो आज का मेरा जो मैं लेके चला था कि कितने सब्सक्राइबर होने चाहिए, दोस्तों आप बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं मेरा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कल इस टाइम हम अगर लाइव क्लास कर रहे थे, उस टाइम अपने सब्सक्राइबर थे 676, 676 अपने सब्सक्राइबर थे, और इस टाइम जस्ट 24 घंटे बाद हम लाइव क्लास कर रहे हैं, तो उस पर अपने सब्सक्राइबर हैं 6750 सॉरी, तो हमारे सब्सक्राइबर बढ़े कितने, 74 सब्सक्राइबर अपने बढ़ गए हैं। आप जल्दी से क्वेश्चन बताइए। ए पैसेंजर जॉन इज सिटिंग इन ए मूविंग कार एज पर ऑब्जर्वर आउटसाइड द कार। एक पैसेंजर है जिसका नाम है जॉन है, वो मूविंग कार में बैठा हुआ है, तो बाहर के ऑब्जर्वर क्या दिखेगा, जल्दी बताओ। सिंपल सी बात है यार, मोशन में दिखेगा, आप कोई गाड़ी के अंदर बैठा है और वो जा रहा कहीं पर, आपको मोशन में दिखता ना। और अभी भी कमेंट किया था विशाल शर्मा जी ने, थैंक्स सर, बिल्कुल आपका स्वागत है, और आप ऐसे हमारे साथ बने रहे। दोस्तों 24 घंटे बाद हम लाइव आए हैं, पिछले आठ कल हमने 8 बजे लाइव क्लास की थी, आज से हमने 9 बजे स्टार्ट की है, और जस्ट 24 घंटे में हमारे 74 सब्सक्राइबर्स बढ़ गए हैं, 74 सब्सक्राइबर। ये सब इसकी वजह मैं नहीं, सब इसकी वजह आप हो, खुद हो। बिना बढ़ाना जी, बी नहीं आएगा इसमें, रेस्ट नहीं आएगा इसमें, मोशन में आएगा। सिंपल सी बात है, कोई कार में जा रहा आपको, उसके अंदर कोई आदमी बैठा हुआ, आपको रेस्ट में थोड़ी दिखाई देता है। प्लीज, आज मैं 10 सब्सक्राइबर्स का मोटो लेके चला था। ये क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन आया हुआ है नेवी डबल ए में, आया हुआ है क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन एनडीए में पूछा गया है, नेवी डबल ए और एनडीए दोनों में ये क्वेश्चन पूछा गया है, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बता दीजिए इसका। संदीप प्रसार जी, अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ अगर आपका एक छोटा सा अंगूठे का दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, आपका बहुत आभारी रहूँगा मैं। आज कह रहे हैं डेट ऑफ बर्थ 2/11/1999 है, तो हाँ बिल्कुल आपका डबल ए का चांस है। संदीप प्रसार जी, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। संदीप प्रसार जी, आप अभी अभी आए हैं, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर बताइए। आप एक बॉल को वर्टिकली अपवार्ड फेंका जाता है, विनय बढ़ाना जी, ए बिल्कुल अपने हाइएस्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी 0 होगी। थैंक यू, आपने कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। संदीप प्रसाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू संदीप प्रसाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी क्वेश्चन बताइए, आपको ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, नहीं USSR का क्वेश्चन आया हुआ है ये। दोस्तों प्लीज़ आप अपने दोस्तों को बताइए कि लाइव क्लास आती है सचिन सर की 9 बजे,
दोस्तों मैं वही क्वेश्चन करवाता हूँ जो कभी ना कभी एग्जाम में आए हुए हैं, मेरे चैनल पे वही क्वेश्चन आएगा जो पहले कभी एग्जाम में आया हुआ है, उससे बाहर मेरे चैनल पे उस क्वेश्चन की तो जगह है ही नहीं जो कभी एग्जाम में नहीं आया। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, पहले टाइम एक्सिस ये आपको जस्ट इसका रिवर्स क्वेश्चन करवाया था मैंने थोड़ी देर पहले। मूवी कॉन्स्टेंट स्पीड से चलेगा जब भी, तो वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है उसका बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा ना, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। दोस्तों वेलोसिटी साइक्लिस्ट की वेलोसिटी निकालनी, वो हाफ राउंड एक सर्कुल ट्रैक है 318 मीटर का, वो 1.5 मिनट में कंप्लीट कर लेता है, ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी आपको करवाया था। जल्दी से क्वेश्चन थोड़ी जस्ट 1-2 सेकंड में इसका आंसर दीजिए। संदीप प्रसाद मेरी डेट ऑफ बर्थ, हाँ आपके संदीप प्रसाद जी आपका तो बहुत टाइम बचा हुआ है अभी, आपके तो अभी स्टार्ट ही हुए हैं। बिल्कुल हैं आपके तो अभी स्टार्ट ही हुए हैं। हाँ संदीप प्रसाद जी आप अपने ग्रुप में भेजिए, आप सपोर्ट कीजिए, मुझे पल पल आपके सपोर्ट की ज़रूरत है अभी, हर तरफ आपके सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे। ये क्वेश्चन बताए जल्दी से यार। ये क्वेश्चन बताइए आप सभी प्लीज। अगर एक कार रेस स्टार्ट हुई है 2 किलोमीटर इसने 100 सेकंड में कर लिए यूनिफॉर्म एक्सलेशन से, तो इसकी स्पीड बिल्कुल सही आंसर आपका विनय बढ़ाना जी, इट्स स्पीड एट द एंड ऑफ द 100 सेकेंड्स। किलोमीटर में दे रखा है इसको, किलोमीटर में दे रखा है, तो पहले इसको मीटर में चेंज कीजिए। तो इसने 100 सेकंड में कितना कवर किया, 2000 मीटर, और इसने 100 सेकंड में कवर किया, यानी 100 सेकंड में 20, तो अगले 100 सेकंड में और 20 करेगा है ना। शुरू के 100 सेकंड में इसने 20 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से चला, तो अगले 20 सेकंड में भी ये 100 सेकंड में इसने 20, यानी 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रहा है, तो 100 सेकंड में इसने 20 मीटर कवर किया, तो अगले 100 सेकंड में भी 20 मीटर कवर करेगा, तो इसका आंसर आ गया 40 मीटर पर सेकंड। सूरज कुमार जी आपका बिल्कुल सही है।
सूरज कुमार जी पूछ रहे हैं सर ये क्या क्लास रेगुलर चलेगी। सूरज कुमार जी ये हमारी 50 से 60 दिन की क्लास होगी जब तक नेवी का एग्जाम होगा, और ये क्लास रेगुलर चलेगी, शाम को 9 बजे बिल्कुल लाइव चलेगी, और सुबह 10:30 बजे क्लास छोड़ दी जाती है वीडियो बनाकर। और संदीप प्रहार जी कह रहे हैं कितने बजे आती है दोस्तों ये, सुबह 10:30 बजे तो वीडियो छोड़ी जाती है थ्योरी क्लास की, और शाम को न्यूमेरिकल होते हैं 9 बजे लाइव। हाँ डेली क्लास आती है संदीप प्रसार जी। ये क्वेश्चन बताइए आप, अर्थ जो सन के राउंड करती है वो कैसा मोशन है, रैंडम मोशन है, वाइब्रेटरी है, सर्कुलर है या लीनियर मोशन है। तो ये सर्कुलर मोशन है, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था बिल्कुल। ये क्वेश्चन बताइए आप जो आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, जस्ट आपको मैंने आज बेसिक कॉन्सेप्ट करवाए थे, कल के लिए तैयार रहना, कल मैं बहुत ही ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन लाने वाला हूँ। आप सुन रहे हैं ना, आप कल के लिए तैयार रहना, मैं कल बहुत ही ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन लाने वाला हूँ, कल के लिए आपको इतना टाइम भी दूंगा मैं सोल्व करने के लिए, और बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन जो नेवी और एयरफोर्स में बहुत ही कम पूछे जाते हैं, एक दो क्वेश्चन ही हार्ड पूछे जाते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन मैं लाने वाला हूँ। एक सेकंड में 25 मीटर करता है तो 20 सेकंड में कितना करेगा बताओ, 500 मीटर। अगर आप 25 मीटर पर सेकंड से करता तो 20 सेकंड बाद कितने, तो 1 सेकंड में 25 मीटर करता तो 20 सेकंड में जस्ट 500 मीटर करेगा, तो इसका आंसर आ गया ए ऑप्शन। संदीप प्रसाद जी कह रहे हैं सर अपना व्हाट्सएप नंबर दे दो, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 1 आप ये कह रहे हैं वेलोसिटी है, इफ द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इंक्रीज डिक्रीज विद टाइम देन इट्स एक्सलेशन, टाइम के इंक्रीज होने के साथ उसकी वेलोसिटी, तो एक्सलेशन क्या होगा उसका, नेगेटिव एक्सलेशन होगा, अगर टाइम के बढ़ने के साथ उसकी वेलोसिटी कम हो रही तो वो रिटार्डेशन माना जाएगा। ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा अपना, जल्दी से क्वेश्चन कीजिए। सूरज कुमार जी आपका आंसर बिल्कुल सही है, और अगर किसी को डाउट है तो प्लीज़ अपना डाउट क्लियर कर लीजिए, फिर हम क्लास को ऑफ करते हैं। अगर किसी को डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में अपना डाउट लिख दीजिए, फिर हम क्लास ऑफ करेंगे।
दोस्तों किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं, फिर हम क्लास ऑफ करेंगे। आप सभी को गुड नाइट। हाँ जी सूरज कुमार जी बोलिए, अगर डाउट है तो प्लीज़ बोलिए। प्लीज अपने डाउट बोलिए, प्लीज जल्दी से डाउट कमेंट कीजिए आप प्लीज। आप फिर एंड फोर्स एकेडमी की आज की लाइव क्लास हम ऑफ करते हैं। नाइन फोर सिक्स सिक्स वन नाइन फाइव एन टू। प्लीज़ आप अपना जो डाउट है जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, फिर ये क्लास ऑफ करते हैं। दोस्तों आपके लिए मैं समय निकाल रहा हूँ, मेरा डिनर टाइम अब सुबह है, जल्दी ही फिर मेरी ड्यूटी है, तो प्लीज़ आप जल्दी से अपना डाउट लिख के बताइए प्लीज़। दोस्तों गुड नाइट आप सभी को। आप सभी सपोर्ट बनाए रखें, अपने दोस्तों को कहें कि सब्सक्राइब करें प्लीज़, आपका सपोर्ट ही मेरे लिए इस वक्त सब कुछ है। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड नाइट्स। थैंक यू संदीप प्रसाद जी, प्लीज़ आप सपोर्ट करें, आपका सपोर्ट ही मेरे लिए सब कुछ। अब